हे गाइस एंजुलियो, सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एक्टिवा 125 BS6 के मीटर को कैसे रीसेट कर सकते हैं। अगर आपके मीटर में सर्विस ड्यू इंडिकेटर आ रहा है, या आपकी गाड़ी का एवरेज सही से शो नहीं हो रहा है, या आपके जो क्या कहते हैं कि अगर आपकी जो रेंज है पेट्रोल कम है लेकिन आपकी रेंज ज़्यादा दिखा रही, तो आप उसको कैसे सेट कर सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है इसमें, वो क्या है कि मैं आपको गाड़ी भी रन करके नहीं दिखा सकता हूँ। जैसे आपकी गाड़ी रन होगी, आपको रेंज और आपकी एवरेज परफेक्ट तरीके से मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले एक्टिव 125 BS6 के LED DRLs को इंजॉय कीजिए। सो इन 3, 2, 1 गो, किलर लुक्स ऑफ LED DRLs, लाइट क्लोज, सो इंजॉय। So here it is, clear look, the beast look of Activa 125 BS6. LED DRLs are killer. One more, off, full on darkness, and on. So चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अब देखिए, आप अभी हम आ गए हैं गाड़ी की मेन स्क्रीन पे, कह सकते हैं गाड़ी के ओडोमीटर पे। वाओ, लुकिंग फैंटास्टिक एट नाइट, सी। ओके, सो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी गाड़ी का मीटर कैसे रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो रीसेट बटन मिलता है, इसको रीसेट बटन बोल सकते हैं और या तो मोड बटन ही बोल सकते हैं। इसको आपको प्रेस करना है वन टाइम। यहाँ आपको ट्रिप दिखा रहा है 547.7। देखिए अभी 547.7 आपको दिखा रहा है यहाँ पे, और अभी देखिए ये तो दिखाएगा नहीं क्योंकि अभी गाड़ी रन नहीं हो रही है। एवरेज देखिए 40.8 का आपको इसमें एवरेज देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको रेंज इसमें 134 किलोमीटर्स ओनली शो कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इस ट्रिप में जाने के बाद आपको इस मोड बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ठीक है। देखिए देखिए 0.00 हो गया। अब देखिए एवरेज, रेंज और टोटल। अभी आपको एवरेज और रेंज आपका रीसेट हो चुका है। अब आपको रेंज और एवरेज अभी कुछ नहीं दिखाएगा, वो इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी आपकी गाड़ी रन नहीं हो रही है। जैसे ही आपकी गाड़ी रन होगी और आपको वो मीटर शो कर देगा। अब मैं आपको गाड़ी रन करके दिखाता हूँ, लेकिन अभी ये नाइट टाइम में देखिए बिल्कुल अंधेरा है। तो गाड़ी मैं आपको कल सुबह रन करके दिखाता हूँ, और आप देखिएगा आपकी गाड़ी क्या आपको रेंज और क्या आपको वो दी थी। अभी 134 किलोमीटर्स की रेंज थी और 40 का अपन को एवरेज दिख रहा था। अब देखते हैं कि क्या अपन को शो होता है। और अगर सेकेंड चीज़ बता दूँ आपको, अगर आपका सर्विस ड्यू इंडिकेटर आपको शो करता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली अपना इग्निशन ऑफ करना है। अभी बहुत अंधेरा है, चलिए मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ। आपको सिंपली अपना इग्निशन ऑन करना है, ऑफ करना है, और ये जो मोड बटन है इसे आप प्रेस करे रहिए 3 सेकंड के लिए। आप इसको प्रेस करके रखिए और फिर आपको इग्निशन की ऑन करनी। अभी मेरे में कोई सर्विस ड्यू इंडिकेटर नहीं दिखा रहा है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आपको सिंपली इसको प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखने के बाद आपको सिंपली आपको इग्निशन ऑन कर देना है। जैसे आप इग्निशन ऑन करेंगे, वो सर्विस ड्यू इंडिकेटर जहाँ पे यहाँ पे पाना जैसा एक साइन आता है, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आप मिलते हैं आपको कल सुबह, और फिर देखते हैं कि क्या रेंज और किलोमीटर अपन को शो होती है। इट्स मॉर्निंग टाइम गाइस, so let's turn on the ignition and warm up the engine a little bit. Now let's go. No, first see here, average 0.1, see how it changes. See the average, how it drastically changes. See.
ऑन योर ड्राइविंग पैटर्न इट डिपेंड। Now see, range 79 kilometers it is showing, see 89, total 0.3 kilometers, average 27.1, range 89, total 549, so it will drastically change, और जैसा आप चलाएंगे वैसा आपको रेंज और किलोमीटर देखने को मिलेगा। तो अभी देखिए मेरी गाड़ी आइडल कंडीशन पे है, आपको मैं बता रहा हूँ टोटल 549 किलोमीटर्स टोटल मैंने चला लिया है एक किलोमीटर अपनी गाड़ी जस्ट अभी। और अभी देखिए यहाँ पे आपको ये तो दिखेगा कि तो गाड़ी अभी आइडल कंडीशन पे है। अब देखिए रेंज आपको 40 से घटकर 34 होने लगी। ये आपके ड्राइविंग पैटर्न पर डिपेंड करता है कि कितना आप जैसे आप गाड़ी चलाएंगे वैसे आपको एवरेज मिलेगा। और आपका ये रेंज दिखा रहा है यहाँ पे कि जितना आपको जैसे आप गाड़ी चलाएंगे तो पेट्रोल हिलता डुलता है, तो पेट्रोल ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, इस वजह से आपकी रेंज भी घटती और बढ़ती रहती है। तो ये कभी भी फिक्स नहीं रहती कि आपकी रेंज फिक्स रहेगी तो एवरेज आपका फिक्स रहेगा। तो गाड़ी कभी भी आपको एवरेज और रेंज फिक्स करके नहीं बताती है, ये ऊपर नीचे हो सकता है कि हाँ एक आपको एक अप टू द मार्क टच करके दिखा सकता है कि हाँ भाई इतनी गाड़ी आपकी रेंज टच करती है। थैंक यू सो मच।